21 नवंबर को दोबारा मतदान होना है। दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आदेश जारी किया है, मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। वोटर्स के बाएं हाथ की मध्य अंगुली में स्याही लगाई जाएगी। आपको ये बताएं कि सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे थे, आधा दर्जन से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर रिपोल की गुहार लगाई थी, पोलिंग स्टेशन के अंदर का वीडियो भी जारी किया था। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न किया जाएगा। 71 मतदान केंद्र जो कि 9 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी अटेर का भाग है में 21, 11, 23 को पुनर्मतदान किया जाएगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का आदेश प्राप्त हुआ है और यह निर्वाचन मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संपन्न किया जाएगा। इसमें आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन के समस्त प्रावधान जो मतदान में लागू थे वे सब इस पुनर्मतदान में भी लागू रहेंगे। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के आखिरी मिनट तक प्रत्याशी के साथ उनके परिवार और कार्यकर्ताओं ने जमकर पसीना बहाया और अब नेताजी थोड़ा रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा लंबे समय बाद परिवार के साथ सुकून से वक्त बिता रहे हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान खत्म हो चुका है। इस बीच दिवाली भी हुई, नवरात्रि भी गुजरी और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया, मेहनत की। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो अभी दक्षिण पश्चिम से मौजूदा विधायक भी हैं और इस साल फिर उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से अब परिवार के साथ उन्हें रिलैक्स होने का समय मिल रहा है। उनकी धर्मपत्नी है, उनके बेटे हैं और उनकी बहू भी हैं और पूरे परिवार ने चुनाव में मेहनत की है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव का ट्रेंड अब बदल गया है, जिस तरह से जनता अब जागरूक हो गई है तो जनता तक अपनी बात पहुंचाना उतना आसान नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले पीसी शर्मा जी से बात कर लेते हैं। सर, कितना चुनौतीपूर्ण ये इलेक्शन रहा, बीच में त्योहार भी रहे, कैसे मैनेज हुआ सब कुछ? वैसे तो हर इलेक्शन चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसमें इसके आसपास नवरात्रि भी आई, दिवाली आई,